अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब आज हम बलाई से मक्खन बनाएंगे और देसी घी और इसके साथ जो लेफ्ट ओवर दूध है उसके साथ मजेदार सी रेसिपी रेडी करेंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। मलाई को मैंने फ्रीजर से एक घंटा पहले निकाल दिया था। अब हम इसको एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और हल्का सा इसको बेट करेंगे। ये तकरीबन 5 मिनट में ही रेडी हो जाएगा मक्खन। जब दूध सेपरेट होने लगे तो इसमें बर्फ वाला ठंडा पानी ऐड करें और इसको हल्का सा मिक्स करें तो हमारा घी जो है वो मक्खन जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। दूध जो सेपरेट हो गया है वो हम एक पतीली में निकाल लेंगे और इससे हम एक मजेदार सी डिश तैयार करेंगे। और अब हम मक्खन को पेड़ों की शेप में निकाल के एक लैदा बाउल में रख लेंगे और इससे इसमें से दूध बिल्कुल सेपरेट हो जाना चाहिए। अब हम इसको बाउल में रख के इसको हम ठंडे पानी से वॉश करेंगे मक्खन को। जितने अच्छे से वॉश हो जाएगा मक्खन तो उतनी जल्दी से हमारा झटपट में घी बन जाएगा। अब हम घी को डालेंगे और ये इसको थोड़ी देर के लिए गर्म कर लेंगे। जब तक मैं इसको गर्म करती हूँ आप मुझे लाइक करें, फॉलो करें और मेरे वीडियो को रिपोस्ट लाजमी करिएगा। यहाँ ये देखें हमारे 10 मिनट के अंदर अंदर ही हमारा घी जो है वो रेडी हो गया है। अब हम इसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। स्ट्रेन करके हम इसको जार में भी रख सकते हैं। हम इसको 1 से 2 माह तक रखेंगे तो ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। अब हमने जो लेफ्ट ओवर दूध किया था उसको हम चूल्हे पे रखेंगे और उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। 2 चम्मच इसमें हम सिरका ऐड करेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएंगे तो इसके पनीर जो है वो अलग हो जाएगा और जो ग्रीन पानी है वो लैदा हो जाएगा। अब हम इस पनीर को स्ट्रेनर की मदद से हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। इसमें से पानी बिल्कुल हमें ड्राई करना है, अच्छे से पानी ड्राई करेंगे। और जो हमने जिस पतीली में घी बनाया था उसमें से जो नीचे ये थोड़ा सा है घी और ये चीज मटेरियल रह जाता है, इसी में हम 1 कप सूजी ऐड करेंगे। इसी को डाल के हम अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। इसी पतीली में डिश बनाने का एक फायदा ये भी होगा कि हमारी देश की जो है वो अच्छे से साफ हो जाएगी, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो जो हमने पनीर अच्छे से ड्राई किया था बनाया था उसको अच्छे से ड्राई करके ये देखें ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, वो हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। पनीर को ऐड करके भी हम इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। जब तक मैं इसकी बुनाई करती हूँ जो मुझे YouTube से देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करके लाजमी बताया करें कि मेरी वीडियो कैसी लगती है आप। अब हम इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक आप चीनी डाल लेंगे। हम इसको हल्का सा मेल्ट करेंगे और ये इसको हम एक डिश में निकाल के इसको अच्छे से फैला लेंगे। डिश में अच्छे से फैलाएंगे हम इसको और ये फैला के इसको डिश हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए और इसको टुकड़ियों में काट लेंगे। और ये हमारी मजेदार सी बर्फी जो है वो लेफ्ट ओवर दूध से वो रेडी हो गई है। ये बहुत ही मजेदार और बहुत ही फायदेमंद है। इसमें आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने नहीं डाले। आप इसमें ड्राई फ्रूट भी डालेंगे तो और भी ज्यादा ये हेल्दी हो जाएगी। हमारी मजेदार सी हेल्दी और बर्फी जो है वो रेडी हो गई है और साथ में देसी घी भी। आप लोग भी जरूर ट्राई करेगा, कमेंट में लाजमी बताइएगा कैसी बनी है। और इसके साथ इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।